संघ प्रमुख मोहन भागवत की आज बड़ी बैठक है। अवध प्रांत के प्रचारकों और कार्यकारिणी के साथ बैठक, संघ के सांस्कृतिक विस्तार सेवा प्रकल्पों को लेकर यह बैठक का आयोजन किया गया है। अवध प्रांत में संघ के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश के सभी गांवों तक अपनी पहुंच बनाने की योजना, सामाजिक समरसता कार्यक्रमों से दलितों पर होगा फोकस। इसके अलावा दलित बस्तियों में समरसता भोज के कार्यक्रम किए जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद गांव स्तर पर निकाला जाएगा शौर्य यात्राएं। इसके अलावा राम मंदिर दर्शन के लिए लोगों से अपील भी की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत की आज बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें अवध प्रांत के प्रचारकों और कार्यकारिणी के साथ ये बैठक होगी। संघ के सांस्कृतिक विस्तार सेवा प्रकल्पों को लेकर बैठक। अवध प्रांत में संघ के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश के सभी गांव तक अपनी पहुंच बनाने की योजना, सामाजिक समरसता कार्यक्रमों से दलितों पर फोकस रहेगा। दलित बस्तियों में समरसता भोज के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद गांव स्तर पर शौर्य यात्रा निकालेगा। राम मंदिर दर्शन के लिए लोगों से अपील भी की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, संघ प्रमुख मोहन भागवत की आज बड़ी बैठक होने वाली, जिसमें कार्यकारिणी से लेकर तमाम जो हैं कई अहम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। अवध प्रांत में संघ के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश के सभी गांव तक अपनी पहुंच बनाने की योजना, सामाजिक समरसता कार्यक्रम से दलितों पर फोकस रहेगा। दलित बस्तियों में समरसता भोज के कार्यक्रम किए जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद गाँव स्तर पर शौर्य यात्राएं निकाली जाएंगी। राम मंदिर दर्शन के लिए भी लोगों से अपील की जाएगी। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत की आज बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो अवध प्रांत में संघ के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश के सभी गांवों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए जो है ये खास बैठक का आयोजन किया गया है। सामाजिक समरसता पर कार्यक्रम में दलितों पर फोकस किया जाएगा। दलित बस्तियों में समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद गांव-गांव में जाकर अपनी शौर्य यात्रा निकालेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत की आज बड़ी बैठक, जिसमें कई महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। और इस पर खास जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिकेत तिवारी लाइव जुड़ गए। अनिकेत, जिस तरीके से अब चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में सामाजिक समरसता पर सबका फोकस और इसी कड़ी में आज संघ की अहम बैठक, क्या कुछ जानकारी? देखिए लता, अगर बात की जाए संघ की बैठक की, तो जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत, वो 4 दिवसीय दौरे पर, अवध प्रांत के दौरे पर है। और कल अगर बैठक की अगर बात की, तो कल भी देर तक ये बैठक चली थी और मोहन भागवत ने बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी और ये 45 मिनट तक चर्चा होती रही दोनों लोगों के बीच में। हालांकि अगर बात की जाए संघ की, तो किस तरह से संघ का विस्तार करना है, तमाम जो पदाधिकारी हैं संघ के उनको क्या कुछ और आवश्यक दिशा निर्देश देने, क्योंकि लगातार संघ की अगर बात की जाए तो प्रयास ये किया जा रहा है कि जनवरी में जब राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी मकर संक्रांति के बाद, क्योंकि प्रस्तावित समय है वही है, और उस राम मंदिर बनने के बाद में पूरे भारत को कहीं ना कहीं राममय बनाने का जो प्रयास है संघ का, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि जो संघ प्रमुख मोहन भागवत है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि संघ की जो पहुंच है वो हर व्यक्ति तक, हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाई जा सके। और यही कारण है कि ये जो बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बैठक हुई थी मोहन भागवत के साथ में, उसमें उन्होंने तमाम उत्तर प्रदेश के बारे में, तमाम जो उपलब्धियां प्रदेश सरकार ने जो हासिल की है उन तमाम उपलब्धियों के बारे में मोहन भागवत को अवगत कराया। फिर वह चाहे सुरक्षा की बात हो या फिर यहाँ पर निवेश सम्मेलनों की बात हो या फिर औद्योगिक विकास की बात हो, तो तमाम विषयों पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत को रूबरू कराया इस 45 मिनट की चर्चा के दौरान। हालांकि अभी और 3 दिनों तक जो बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिलेगा और ये प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से हर गांव तक जो संघ की जो पहुंच है, जो पकड़ है, उसे और मजबूत बनाया जा सके। और यही कारण है कि लगातार जो संघ के जो पार्टी के जो पदाधिकारी जो लोग हैं उनको क्या कुछ आवश्यक दिशा निर्देश देने, क्योंकि जिस तरह से हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर लगातार संघ आगे बढ़ रहा है, ऐसे में एजेंडे को जानना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाले हैं और किन किन मसलों पर चर्चा होगी। हाँ देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर दिव्या लता अगर बात की जाए इस बैठक की, तो तमाम जो पदाधिकारी हैं संघ के वो इस बैठक में शामिल होंगे अवध प्रांत के। हालांकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हो या फिर
प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हो या संगठन महामंत्री धर्मपाल हो, तो तमाम ये जो लोग थे कल ये बैठक में शामिल हुए थे और आज भी तमाम जो पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस बैठक में शामिल होते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। और बात की जाए अगर मोहन भागवत की, तो इस बैठकों के दौरान जो आवश्यक दिशा निर्देश संघ को किस तरह से और काम करना है। फिलहाल शुक्रिया निकिता, तमाम जानकारी तमाम बातचीत के लिए।